आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी मुरादाबाद पहुंची, यहां उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता के आवास पर गईं। यहां अमृतसर ट्रेन हादसे पर उन्होंने दुख जताया। वहीं मीटू मुहिम पर उन्होंने कहा कि अब हालात काफी बदल गए हैं और महिलाओं को उनकी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। देखिए, भविष्य में आपको भी शिकायत नहीं मिलेगी। एक दौर होता है जब हिम्मत करते हैं, कोई भी महिला हिम्मत करके अगर बोल रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव रहा होगा। अब जो महिलाएं बोल रही हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनमें से कई विवाहित हैं, कोई बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, कोई उनमें से जो है वो अपने जो कुंठा या जो दर्द है उसका बयान कर रही हैं। किसी को भी कभी भी बोलने का अधिकार है और जो जिसके ऊपर आरोप है उसको अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। लेकिन ये बातें कानूनी है और निश्चित रूप से इसको बहुत सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। दशहरे के दिन अमृतसर में हुए ट्रेन हादसे के बाद पूरा देश गम में डूबा हुआ है। तो वहीं ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों में गाजीपुर निवासी प्रदीप कुशवाहा और उनका 3 वर्षीय भतीजा सार्थक भी शामिल है, जबकि 7 वर्षीय प्रदीप की भतीजी काजल घायल हुई है। सबसे दुख की बात यह है कि प्रदीप के घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत के बाद घर में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि प्रदीप अपने भतीजा भतीजी को मेला दिखाने गया था, जहां वो भी 60 लोगों का काल बनी ट्रेन का शिकार हो गया। हादसे में हमारा छोटा लड़का है प्रदीप और एक भतीजी है, नाती है सार्थक, और एक लड़की है नातिन हमारी है, उसको चोट लगा हुआ हॉस्पिटल में। कैसे आप लोग को जानकारी हुई इसकी? वो हम लोग को टीवी में जब हादसा शुरू हुआ देखने को मिलने लगा तो हमने घबरा गया, फ़ोन लगा करने की वो लोग कैसा है। वो 5:30 बजे फ़ोन किया था हमारा छोटा लड़का प्रदीप कि पापा हम और तुम्हारा नाती या नातिन को लेकर जा रहे हैं मेला दिखाने के लिए। तो हम लोग को शंका हो गया कि वो लोग रेलवे का बगल में रहता है, हो गया है वह हादसा में कहीं वो लोग भी तो नहीं ना गुजर गया। तो हम बड़े लड़के के फ़ोन करने लगा तो फ़ोन जा रहा था लेकिन वो लोग उठा नहीं रहा था। एक बार हमारी रिश्तेदार की लड़की रहती है, उसके यहाँ फ़ोन किया तो कहा कि वो अगर आप घबराइए मत, हम लोग बहुत हलचल में हैं, बाद में आपको खबर देंगे। तो फिर ये टाइप वहीं लगे फ़ोन करने बार बार करते करते तो 9 बजे बड़ा लड़का जो है इनके पर फ़ोन किया कि हमारे बाप माँ को देखिएगा, और हमारा भाई अब लड़का मर गया, एक्सपायर कर गया, लड़के हॉस्पिटल में है। सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र स्थित पानसर गांव के पास बड़ा हादसा पेश आया। खेत पर काम करके घर वापस लौट रहे किसानों का ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर में एक बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में 7 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ आगरा पहुंचे। सीएम के आगमन पर जिले के प्रशासनिक अमला व्यवस्था बनाने में लगा हुआ था। इस दौरान सीएम के साथ आगरा सांसद और विधायक भी मौजूद हैं। सीएम भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। आगरा के एतमादपुर में आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी पर निशाना साधा। राज बब्बर ने पीएम मोदी को फेकू और सीएम योगी को ठोकू करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। आगरा में तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक तमंचा लहराता देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन के चलते युवक जेसीबी संचालक के घर पहुंच गया और खुलेआम तमंचा लहराने लगा। मऊ के कोपागंज थाने के महुआर बेसंगतिया गांव में चोरों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उनके पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर में रखे जेवरात और नकदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पड़ोसी के घर को भी खंगाला। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। बांदा शहर कुद्दाली क्षेत्र में स्टेशन के पास अधेड़ का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस फौरी तौर से मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की माने तो मृतक कई महीनों से बांदा स्टेशन पर ही रहता था। शनिवार की शाम उसका नशे की हालत में किसी युवक से झगड़ा भी हुआ था। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है।
हरदोई की बिलग्राम कोतवाली इलाके के नावपुरवा में नौटंकी देखने गए चाचा भतीजे समेत चार लोगों को दबंगों ने गोली मार दी। सभी घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चाचा भतीजे को लखनऊ रेफर किया गया है। परिजनों की माने तो प्रधान और उसके गुर्गों ने रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया है। फैजाबाद पुलिस लाइन में शहीद पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। फैजाबाद रेंज के डीआईजी ओंकार सिंह और एसएसपी जोगेंद्र कुमार समेत जिले के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 21 अक्टूबर को जैसे अभी मैं बता रहा था, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए थे कर्तव्य पालन में, उसी के याद में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, और जिसमें 1 सितंबर से लेकर के और 31 अगस्त तक जो भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में सभी पुलिस संस्थानों में और पुलिस की इकाइयों में मनाया जाता है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।